मेरा नाम है सरदार अहमद, पासपोर्ट की इंक्वायरी के लिए गई थी, उम्रे के लिए पासपोर्ट बनवा रही थी। कहाँ पर बनवा रही? थाना कोतवाली। अच्छा, फिर वहाँ पर पैसों के लिए फोन आ रहा था, पैसे दोगे तो आगे इंक्वायरी बढ़ेगी, इसी चक्कर में किसका फोन आ रहा था? किसका? जो इंक्वायरी ऑफिसर जिसके हाथ में इंक्वायरी थी। अब ये नहीं मालूम कि गोली किसने मारी है। इशरत निगार के, इशरत निगार के विवाद किस बात पर, गोली किस बात पर लगी? क्या गोली? पैसों के लेन देन में हुई है। पैसे कौन मांग रहा था? जो इंचार्ज था इसका इंक्वायरी का। कितने रुपए की डिमांड चल रही है? अब डिमांड नहीं मालूम कितने की थी, उन दोनों के बीच में ही बहस हुई है, मतलब जो भी बात हुई है उन दोनों के बीच में जी, उसपे उसके बाद गोली मारी है इनकी। अकेले थे कोई और? और पुलिस की बेटा है एक, वहाँ पर वो वही कोतवाली में बैठा रखा है उसको। गोली कहाँ लगी है इनके? सर में लगी है। बेटे का नाम क्या? जो ईशान अहमद। अच्छा, इनकी उम्र कितनी रही हो? कहाँ के लिए पासपोर्ट बनवा जाने के लिए? उम्रे के लिए पासपोर्ट बनवा रही थी, उम्रे करीब 55 साल। अच्छा, उम्रे के लिए पासपोर्ट बनवाने वाली है? तुर्कमान गेट थाना कोतवाली। अब ये तो मालूम ही नहीं है, ये तो कोतवाली में, थाना कोतवाली में आज लगभग 2:50 के आसपास एक जो सूचना दी गई है वहाँ के सीओ, वहाँ के एसएचओ द्वारा, कि थाने के सीसीटीएनएस कार्यालय में एक उपनिरीक्षक श्री मनोज कुमार की पिस्टल से, ये सरकारी असलह से, वो भी देखना है, पिस्टल है कि रिवॉल्वर है, उससे फायर हुआ है। और एक महिला जो कि वहाँ पर किसी कार्य से, बताया गया पासपोर्ट वेरिफिकेशन के कार्य से आई थी और आसपास खड़ी थी, उसके गोली लगी है, उसके हेड इंजरी है और उसको घायल अवस्था में यहाँ अस्पताल लाया गया है, यहाँ इसका इलाज चल रहा है और डॉक्टरों की टीम द्वारा उसको अटेंड कराया जा रहा है। कहाँ लगी है गोली? उसके गोली इसके बैक ऑफ द हेड में साइड की तरफ लगी है और उसको अभी डॉक्टर लोग अटेंड कर रहे हैं और जो बेस्ट पॉसिबल इलाज है इस मेडिकल कॉलेज में उसको दिया जा रहा है। फिलहाल मौके पर जो है तत्काल वहाँ पर सीओ आदि को भेजा गया है, जो भी फुटेज वगैरह आदि है उसको कलेक्ट करने के लिए कह दिया गया है, जो भी घर वाले तहरीर देते हैं उस पर वैधानिक कार्रवाई यकीनन इस पर सुनिश्चित की जाएगी और ये जो भी लापरवाही दरोगा द्वारा हुई है उसके विरुद्ध कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी और आपराधिक कृत्य में की श्रेणी में आएगा। ये स्पष्ट नहीं है, ये इस फुटेज से स्पष्ट हो पाएगा, अज्ञात कारणों से, अभी तक कारण अज्ञात है जिसको हम स्पष्ट करेंगे। थाना कार्यालय के अन्य सिपाही भी आसपास खड़े थे, हालांकि वो बच गए, उनको कुछ ऐसी मतलब वो इससे आहत नहीं हुए हैं, लेकिन महिला जरूर आहत हुई है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर वैधानिक कार्रवाई के भी आदेश दिए गए। दरोगा कहाँ है? दरोगा अभी मौजूद नहीं है थाने पे, उसको हम लोग अभी, उसके लिए भी टीम लगा दी गई है, यदि वो फरार है तो उसको अभी हम कुछ ही देर में कोशिश करेंगे कि उसको डिटेन करेंगे। तो ये घटनाक्रम है, अभी कुछ ही देर पहले का घटनाक्रम है, इसके आगे की जितनी बातें हैं मैं जल्दी आपको उन्होंने एक सिपाही से कहा था मुझे पिस्टल ला के दे दो अंदर, एक सिपाही ने उनके हाथ में पिस्टल ला के दे दी, एक और बैठे थे यहाँ पर, एक ने अंदर ला के पिस्टल दे दी, मैं कड़ी में बंद था सामने बिल्कुल, दोनों इधर खड़े थे गेट के पीछे काउंटर के पास, तो उन्होंने पिस्टल ला के दे दी, ऐसे चेक बैक कर रहे हैं उसे, कुछ साफ बाफ कर रहे हैं उनकी लेडीज की तरफ ही करके, जो लेडीज के साथ में जेंट्स थे ना उन्होंने कहा था कि भाई तुम मारोगे नहीं क्या, तो वो जो सर के हाथ में जो बंदूक थी ना, जो इंस्पेक्टर थे, तो उन्होंने जो हाथ में बंदूक थी वो कह रहे थे कि ऐसी लग जाएगी, ऐसी मत आ गए, इतनी देर में तो उन्होंने चला दी, हकीकत में लग गई भाई गोली मेरी आंखों के सामने। कहाँ लगी गोली उनके? गोली मैं नहीं पता कहाँ लगी, इतनी देर में तो वो गिर गई, गोली लगती भट्टी थी आवाज आई वो गिर गई, पर शायद बता रहा हूँ मुझे मेरे अंदाजे से सिर में लगी। क्या नाम है बेटा, कहाँ रहते हैं आप? क्या नाम है, कहाँ रहते हैं? मेरा नाम है सुभान, मेरे पापा का नाम है दिलशाद, कुरैशी हूँ मैं भुसपरा में रहता हूँ, ठाकुर वाली गली में। अभी बात इतनी देर में तो इन्होंने खून खून सब पूछवा दिया, जब वो आदमी अंदर आना ना आया तो इन्होंने आने ना दिया, जो लेडीज के साथ आदमी था ना उन्होंने आने ना दिया उस आदमी को अंदर, यही पे गेट लगा के बंद कर दिया, यही पे खून पूछवा दिया था, मेरे सामने खून यहाँ से, फिर मुझे यहाँ से ले जाकर वहाँ बंद कर दिया, फिर मैंने उस आदमी से कही, मैंने भाई घबराना मत आपकी मम्मी के लिए मैं गवाही दूंगा, मेरे सामने इन्होंने गोली, मेरे सामने गोली लगी है, तो ना मुझे यहाँ से निकाल कर तुरंत, इतनी बात सुनते ही मोटे से जो सामने बैठे थे उनका नाम पता नहीं है मुझे, जो सामने काम कर रहे थे बिल्कुल मोटे थे, तो उन्होंने मुझे तुरंत यहाँ से निकाल के वहाँ पहुँचा दिया, वहाँ से वहाँ छोड़ के मैं अकेला, एक आदमी के हाथ में सिपाही के हाथ में थे वो भी भाग गए, तो जब वो जो लेडीज़ के साथ थे ना वो यहाँ खड़े थे यहाँ पे, उन्होंने यहाँ से फिर मुझे वहाँ पे देख लिया, फिर वो मेरे पास गए, इतनी देर में वो मेरे पास जा रहे थे, वो वहाँ से घुमा के मुझे वहाँ ले गए, एक दफे कैमरा घुमाओ सर, ले आ गए सर, गर्दन दबा रही है सर मेरी, निशान तुम्हारे सर मेरी गर्दन दबा रही है,
ये तो पुराने मेरी लड़ाई का निशान है। यहाँ पर शायद ताजी निशान हो, मेरी गर्दन दबा रहे थे तब मैंने हाथ बाहर निकालने की कोशिश करी थी, उसमें जालियों में हल्की हल्की तो फिर भी टूटी। तब मेरा भाई दिखा, मेरी माँ दिखी, मैं चिल्लाया, जब पब्लिक इधर आई, मेरी अम्मी इधर आई, तो सब ने मुझे भाग के। अब मैं ये चाहता हूँ मेरी भी सेफ्टी कराना बड़े भाइयों। अभी घटनास्थल का मुआयना किया गया है और एक दरोगा है मनोज शर्मा, चौक इंचार्ज भोजपुरा, इनकी पिस्टल से फायर हुआ है CCTNS कार्यालय में, और एक महिला जो पास खड़ी थी उससे घायल हुई गंभीर रूप से। अस्पताल में उनको देखा गया है, वहाँ बेस्ट इलाज उनको चिकित्सक अभी दे रहे हैं, और इनके परिजनों से भी हमारी बात हुई है, बताया गया कि वो पासपोर्ट वेरिफिकेशन के काम से आई थी। वहीं कार्यालय में वो महिला के बेटे भी थे और पास में एक अन्य व्यक्ति भी था, और पुलिस के भी एक कर्मी वहाँ पर मौजूद था। तो सबसे जो बात की है, गोली क्यों चली है ये कारण स्पष्ट नहीं है, इसके लिए टीम लगा दी गई है यहाँ पर वरिष्ठ अधिकारियों की उसमें लीडरशिप में, और इसमें जो ये आरोपी दरोगा है इसको तत्काल रूप से प्रभाव से जो है निलंबित कर दिया गया है, और उसके विरुद्ध विभागीय जांच भी संस्थित कर दी गई है और मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे दिए गए हैं। ये एक लापरवाही और अनुशासनहीनता की श्रेणी में तो आता ही है, यह एक आपराधिक कृत्य की श्रेणी में भी आता है, इसलिए अब जो पीड़ित परिवार है उसके साथ पूरा पुलिस परिवार भी खड़ा है, और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्टर की टीम उनको बचा लें। वहीं जिसने गलती की है उसके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई और आपराधिक मुकदमा दर्ज करते हुए विधिक कार्रवाई के भी आदेश दे दिए गए हैं। थाने में सबूत मिटाने की कोशिश नहीं, इसीलिए वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पे तुरंत आए हैं, फील्ड यूनिट की टीम यहाँ पर है, इसका फुटेज भी है, पूरा फुटेज है, उसको भी सार्वजनिक रूप से लोगों को दिखाया गया है ताकि किसी भी तरह का कोई भी लिपापोती यहाँ ना हो सके, ये वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा यहाँ पर सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारे SP ग्रामीण भी यहाँ पर लगातार अभी भी मौजूद है और आगे भी मौजूद रहेंगे। धन्यवाद।